रुक जाना। तुम तुम्हारे घर में कभी ऐसे कुंडे रखते हो, कुंडे में कुछ उगाते हो? हाँ। तुम्हारा कोई पौधा कोई छोड़ के कोई उगाड़ो छो तुम्हें? हाँ। क्या नहीं उगाड़ता? उगाड़ो छो। तुम्हारे घर में ऐसे कुंडे रखते हो, कुंडे वो पेड़ पौधे उगाने के लिए? नहीं मालूम। कौन अपने घर पे वो सब कोई झाड़ छोड़ ऐसे कुछ उगाता है? कोई नहीं रखते। ठीक है, किसके घर में वो फूल या कुछ उगाने के लिए कुंडा रखा हुआ है? मेरे, तुम्हारे घर में है। तुम्हारा घर है? हाँ, बहुत सरस। तो बेटा घरे थोड़ा कुंडा उगाड़ा है अपने, मानो के अपने अपने नीचे रहते हो तो बगीचा नहीं रखते? अपने बाहर मैदान में कैसे सब कुछ उगाया है क्या? नहीं उगाया तो ये ऐसे ही नहीं उगता, ऐसे ही नहीं उग जाता सब? सिर्फ पानी से भी नहीं उगता? हाँ, पानी बीज भी डालना पड़ता है। गर्मी भी चाहिए, बराबर है उसकी बात, बिल्कुल बात सही है। राहिल नाम ने, राहिल की बात बिल्कुल सही है, उसको गर्मी भी चाहिए। यानी आप ऐसे घर के अंदर नहीं उगा सकते। घर के अंदर उगाओगे तो उगेगा सही, लेकिन इतना अच्छा नहीं उगेगा, या फिर जल्दी से वो मर जाएगा, छोड़ मरी जाए, यानी वो ऐसे गिर जाएगा, ऐसे होगा, समझ रहे हो? तो उसको अच्छे से उगाने के लिए बाहर ऐसे सूरज के नीचे, सूरज ने नीचे उगाड़ू जरूरी है। एलोवेरा का है ना? हाँ, बहुत अच्छा, एलोवेरा का होगा। ठीक है, तो एक कहानी है, जमीन से सब कुछ ऐसे ही नहीं उगता। आयमन ने, क्या नाम? आयमन ने। हाँ बेटा, तुम्हारा मन यहां रखो, वहां मत रखो। आयमन, मन कहां रखना है? मेरे साथ। तो एक कहानी है, जमीन से सब कुछ कैसे उगता है उसकी, सुनिए कहानी। हाँ। सांभरी से। कागड़ो अने कोयल, कोयल क्या होता है पता है? हाँ। कोयल की आवाज पता है कैसी होती है? कू करते हैं ना। हाँ। देखा है कभी? कैसे रंग की होती है? हाँ। कैसे रंग की होती है? हाँ। काले रंग की होती है, बहुत अच्छे। उसकी आंखें लाल कलर की होती है। ठीक है, यहाँ अपने क्लास में नहीं है, बाजू वाले तुम्हारे क्लास में होगा, जहां पंख हे ए वो रही है, वो सामने रही। देखो कोयल कहाँ खड़े होकर बताओ कहाँ? बस बस एक ही जन, बस हो गया, बैठ जाओ। राहिल तुम्हारी राह पकड़ के वहां बैठ जाओ। ठीक है, वो है कोयल। देखो तो बेटा कौन है? अरे तुम क्यों खड़ी होती हो? कौन है बेटा? ठीक है, मैं दो भाषा में कहानी बोलूंगा, यानी हिंदी में भी बोलूंगा, गुजराती में भी बोलूंगा, लेकिन पहले गुजराती में, पहला गुजराती में पछी हिंदी में। ठीक है, तो एक खेतर हतु, खेतर यानी खेत, समझ रहे हो? खेत। तुमने कभी अगर गांव गए हो तो गांव में अगर तुमने देखा हो तो वहां खेडूत खेत में सब उगाते हैं। बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे खेत होते हैं जहां सब कुछ उगता है, सब साकभाजी उगती है, सब्जियां उगती है, गेहूं चावल सब उगता है। तो आओ, एक बहु मोटू खेतर हतु, वो खेतर के बाजू में एक पेड़ था, बाजू में एक झाड़ हतु, ए झाड़ ऊपर कागड़ो अने कोयल रे, वो झाड़ के ऊपर कौवा और कोयल दोनों रहते थे। माहेनूर कौन रहता था बेटा? तुम्हारे अलावा सबको बता बातें नहीं। हाँ बेटा, वो पेड़ के ऊपर कौवा और कोयल दोनों रहते थे। सीधे बैठ जाओ। एक दिन कोयल ने सोचा कि ये इतना बड़ा खेतर है,
तो चलो ना अपने यहां कुछ उगाते हैं, अपने त्या पे उगाड़िए, बराबर। कोयल ने सोचा ऐसा। कोयल तो गई कौए के पास, कोयल कागड़ा पास गई, और कागड़ा ने जाने के, ए कागड़ा भाई कागड़ा भाई, क्या बोले, कागड़ा भाई कागड़ा भाई, चलो ने अपने यहां खेत में कुछ उगाते हैं, अपना खेतर से आटलू सर, चलो ना अपने यहां कहीं उगाड़िए, अपने अच्छे से है ना गेहूं उगाते, क्या उगाते हैं, गेहूं। गेहूं देखा है कि नहीं देखे, देखा है गेहूं, हाँ। तो अपने गेहूं उगाते ऐसे बोला कोयल ने, कोयल है ऊ किधर। कौए ने क्या बोला पता है, ठागा थैया करू छु, हाँ बोलो, बोल सकते हो, ठागा थैया करू छु, चाचूड़ी घड़ाऊ छु, जाओ काबरबेन हमणा आऊ छु। मतलब क्या, कौए ने एक बहाना कर दिया, कौआ बहुत आलसी था, बहुत आलसू हतो, उसने एक बहाना कर दिया कि ठागा ठैया करू छु, चाचूड़ी घड़ाऊ छु, चाचूड़ी मतलब उसकी चाँच अभी वो बहुत अणी वाली नहीं है, तो मुझे ना वो चाँच को अणी वाली करने जाना है, ऐसे 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 नुकीली करने जाना है चाँच, समझ रहे हो, अणीवाड़ी चाँच नहीं है, तो मुझे चाँच नुकीली करने जाना है अभी, तो काम करो। उसने कौए ने क्या बोला कोयल को, तुम्हें काम करो, तुम्हें हमणा जाओ खेतर में जाओ, हूँ हमणा आऊ छु, क्या बोले, मैं अभी आ रहा हूं। अब वो तो आलसी था, वो तो शांति से पेड़ पे बैठा रहा, बिचारी कोयल गई, कोयल ने वहां जाकर बेटे दोनों बातें मत करो, तुम दफ्तर रख दो नंदा, अब दफ्तर में हाथ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो कोयल तो गई खेत में, कोयल खेतर में गई, खेत में जाकर उसने देखा कि हाँ खेत है, चलो ना अपने खेत को थोड़ा खोदते हैं, बराबर। इन्हें शू विचार्यू, खेत खेतर ने थोड़क आप खोदी लई एम। तो कोयल ने तो अपनी नुकीली चांच से खेतर को खोदना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ भी उगाने से पहले जमीन को खोदना पड़ता है, समझ रहे हो, हाँ खोदना पड़ता है। तो कोयल ने खोदना ऐसे चालू करा खेतर में, पूरे दिन खोदा, पूरा खेत खोद डाला उसने, हाँ। शाम हो गई लेकिन कौआ आया नहीं, कौआ तो बिल्कुल से भी नहीं आया, बिचारी कोयल थक गई, वो पेड़ पे शाम को गई पेड़ पे, और कोयल और कौए को बोला, कौआ भाई कागड़ा भाई तुम्हें तो आया ज नहीं। कौए ने बोला, कौए ने बोला, अरे हाँ मैं गया लेकिन मैं भूल गया फिर आना। कौआ क्या था, आलसी था, वो कुछ काम नहीं करना चाहता था। दूसरे दिन कोयल जल्दी सुबह उठ गई, कोयल जल्दी थी सवारे उठी गई, और कोयल ने वापिस से कौए को जाकर पूछा, ए कागड़ा भाई कागड़ा भाई, बस 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 कागड़ा भाई कह रहे, चलो मारी साथे आपने खेतर खेड़वा जाइए, मतलब खेत में जाते जो मैंने कल जो खड्डे खोद डाले ना उसके अंदर बीज डाल देते हैं, क्या कर देते हैं, छोटे छोटे गेहूं तो डालने पड़ेंगे ना, गेहूं का दाना डालना पड़ेगा अंदर। तो कौआ था आलसी, नहीं अभी नहीं, कौआ था आलसी। कौए ने बोला, ये लाओ बस बैठो शांति से, बराबर। कौए ने बोला, ठागा ठैया करू छु, चाचूड़ी घड़ाऊ छु, जाओ कोयल बेन काले आऊ छु, समझ रहे हो, कोयल बेन तुम जाओ मैं कल आ रहा हूं, ठीक है। तो कोयल तो गई, और पूरा जो खेत था जहां खड्डा खोदा हुआ था सब जगह, तो वहां जाकर पूरे खेत में बीज डाल दिए, बरखा खेतर में बीज रोपी दीदा, गेहूं रोपी दीदा अंदर। शाम हो गई, पूरी पूरे दिन कोयल बिचारी काम करती रही, पूरे दिन, ठीक है।
शाम हो गई, वो आई पेड़ पे, उसने कौवे को बोला, अरे कागड़ा भाई तुम्हें तो आया ज नहीं, तुम तो आए ज नहीं। बोले हाँ मैं भूल गया, मेरे चांच वो चांच नुकीली करने जाना था, मैं भूल गया, क्या करूं, मैं बहुत भुलक्कड़ हो गया हूं, मैं भूल जाता हूं सब। अब जब बीज रोप दिए हैं तो जमीन में आपने जाए कहीं उगाड़ू हुए तो पहला खाड़ो खोदवो पड़े, यानी खड्डा खोदना पड़े, फिर उसके अंदर बीज डालना पड़े, समझ रहे हो, फिर ऐसी मिट्टी लगानी पड़े, फिर उसके ऊपर पानी भी डालना पड़े, पानी डालना पड़े कि नहीं है? तो तीसरे दिन की बात है, थोड़े दिनों बाद कोयल वापिस सुबह जल्दी उठ गई और गई कौवे के पास। कौवे को जाकर बोला, कागड़ा भाई कागड़ा भाई, चलो आपड़े खेतर मा आजे पानी नाखवानू छे। सु करवानू छे? पानी नाखवानू छे, यानी अंदर पानी डालना है। कागड़ा शू कीधु? नहीं, कागड़े ने क्या बोला? अगर कोयल ने ऐसे ऐसे बोला कि चलो मेरे साथ, तो कागड़े ने क्या बोला पता है? कागड़े ने क्या बोला पता है? ठागा ठैया करू छु, चाचूड़ी घड़ाऊ छु, जाओ काबर बेन हमणा आऊ छु, जाओ कोयल बेन अभी मैं आ रहा हूं, बराबर, हाँ मैं अभी आ रहा हूं, जाओ कोयल बेन मैं अभी आ रहा हूं। बिचारी कोयल तो भोली भाली थी, कोयल बहुत भोली थी, वो तो गई खेत में, पूरे खेत में जहां जहां बीज उसने रोपे थे या जहां जहां बीज डाले थे सब जगह पानी डाल दिया, पूरा दिन पानी डालती रही, लेकिन कौवा आया, कौवा पेड़ पे ही ऐसे बैठे रहा इस तरह, ए नहीं जाना कर, ठीक है। अब जमीन से कुछ अपने उगाते तो कैसे उगाते, तो सबसे पहले खड्डा खोदना पड़ता है, फिर बीज डालना पड़ता है, फिर मिट्टी लगानी पड़ती है, मिट्टी लगाने के बाद पानी डालना पड़ता है, समझ रहे हो। थोड़े दिनों बाद अपने जो उगाया है ना उसके आजू बाजू में नकामा घास भी उग जाता है, जो कोई काम में नहीं आता, कुछ और भी उग जाता है, तो उसको भी निकालना पड़ता है। हमने बोए है गेहूं, आपने गेहूं रोपिया से, लेकिन गेहूं के आजू बाजू में नकामा घास भी उग जाता है, घास जो कुछ काम में आता है नहीं, तो फिर उसको निकालने जाना पड़ता है। तो अब कोयल वापिस से गई कौवे के पास, कौवे को पूछा, कौवे को कहा, कागड़ा भाई चलो अपने नकामा घास निकालने जाना है, जो कुछ नकामा जो उग गया है उसके आजू बाजू में, अपने गेहूं के आजू बाजू में, उसको निकालने जाना है, चलो मेरे साथ। तो कौवे ने क्या बोला? नहीं, उसने वो गीत में क्या बोला, ठागा ठैया करू छु, चाचूड़ी घड़ाऊ छु, जाओ काब जाओ कोयल बेन हमणा आऊ छु, मतलब मैं अभी आ रहा हूं, तुम जाओ, आ रहा हूं तुम्हारे पीछे पीछे, बस तुम जाओ मैं अभी आ रहा हूं। बिचारी कोयल तो गई खेत में, कौवा तो आया नहीं था, उसने सोचा लाओ मैं वो जो नकामा घास उग गया है उसको निकालते शुरू तो करूं, वो अभी आ जाएगा। उसने पूरे खेत में पूरे दिन काम करा, सभी जगह से जो भी नकामा घास उगा था, जो कुछ काम का नहीं था, उसे सब उखाड़ के फेंक दिए, लेकिन कौवा आया वो शाम को थक गई, फिर वापिस पेड़ के ऊपर गई और कागड़े को बोला, ए कागड़ा भाई तमें तो आया ज नहीं। तो कौवे ने क्या बोला, क्यों तो भूली ज गयो, मैं भूल गया आना, मेरे चांच नुकीली करने जाना था लेकिन मैं भूल गया, मैं अब से आऊंगा, बस अब से आऊंगा। थोड़े दिन बाद गेहूं तो उग गए, ठीक है, बहुत सारे गेहूं हुए थे, अब गेहूं को निकालना भी तो पड़ेगा क्या, नहीं निकालना पड़ेगा, हाँ। तो अब गेहूं निकालने के लिए कोयल वापिस से किसके पास गई? कौवे के पास। कागड़ा जी ने कीधु, कागड़ा भाई चलो अबे गेहूं निकालवाना छे, कागड़ा भाई, कागड़ा भाई, चलो अबे गेहूं निकालवाना छे।
हाँ अपने गाँव निकालते, चलिए अब तो आना पड़ेगा। कौआ तो था आलसी, वो उसने बोला कि कोयल बेन एक काम करो, ठागा ठैया करू छु, चाचूड़ी गड़ाऊ छु, जाओ कोयल बेन मैं कल अभी आ रहा हूँ, जाओ कोयल बेन हूँ हमना आऊ छु, बराबर मैं अभी आ रहा हूँ जाओ। बिचारी कोयल तो गई, पूरे दिन काम किया और सभी गेहूं निकाल दिए। अब गेहूं को तुमने कभी देखा हो, गेहूं को अभी तुमने देखा हो तो गेहूं के ऊपर उसके फोतरे भी होते, उसका फोतरा यानी कि तुम हिंदी में क्या बोलते हो, उसके फोतरा यानी गेहूं के ऊपर उसका कवर होता है, उड़ता है। अपने सिंग के ऊपर के वो कचरा नहीं होता, सिंग देखे उसको क्या बोलते तुम, छिलका, बस गेहूं के ऊपर के छिलके थे। अब गेहूं ऐसे ही नहीं निकलते, समझ रहे हो, गेहूं ऐसे ही नहीं निकलते, गेहूं को जब निकाले तब उसको छिलके उसके कचरा अलग करना पड़ता है, छिलके अलग करने पड़ते हैं, गेहूं अलग करना पड़ता है। बिचारी कोयल तो गई खेत में, अभी जाने देता हूं हाँ बैठो, वो बिचारी कोयल तो गई और पूरे गेहूं को वो जो अपने जो जिसमें उगे थे छोड़ के ऊपर उसको सबको बाहर निकाला, छिलके अलग करे, गेहूं अलग करा, पूरे दिन काम किया, सभी गेहूं को अलग अलग कर दिया, वो छिलकों को अलग अलग कर दिया। बैठ जाओ हाँ, सबको अलग कर दिया, दोनों को दो ढकले कर दिए, एक गेहूं का और एक छिलकों का, पूरे दिन काम करके उसने दो ढकले कर दिए अलग अलग। फिर वो शाम को थक गई कोयल, फिर गई कौवे के पास, अरे कौवा भाई, कागड़ा भाई, तुम्हें तो आया नहीं, तुम तो आए ही नहीं। कौवे ने बोला मैं आज बहुत थक गया था, मैं गया था वहां मेरी चोंच को नुकीली करने के लिए, तो आज नुकीली करके आया हूं, कल अपने जाएंगे। कोयल अब समझ गई कि ये कौवा बहाना करता है, वो झूठ बोलता है, उसने पूरा खेत मेरे से खुदवाया, मैंने बीज रोपे, मैंने पानी डाला, मैंने नकामा घास निकाला, मैंने सब कुछ किया, अब जब गेहूं लेने की बारी आई तब वो बोल रहा है मैं आऊंगा। कोयल समझ गई कि कौवा बहुत ऐसे झूठ बोल के कल आएगा फिर गेहूं ले जाएगा, उसने कुछ काम तो करा है नहीं, और जो काम ना करे उसको थोड़ी ना कुछ मिलता है, हैं? अभी मैं कुछ लिखा और तुम लिखो ही नहीं तो मैं थोड़ी ना तुम्हें चोपड़ी दूंगा, बराबर कि नहीं, चोपड़ी दे, अगर तुम्हें चोपड़ी चाहिए तो कुछ तो लिख के मुझे बताना पड़ेगा कि नहीं। तो उसी तरह यहां भी कौवे को कुछ तो काम करना पड़ेगा नहीं, लेकिन कौवे ने तो कुछ काम करा ही नहीं था। कोयल समझ गई कि ये कल आएगा फिर गेहूं लेके चला जाएगा, लेकिन कोयल भी बहुत होशियार थी, वो सुबह जल्दी उठ के गई और खेत में पहुंच गई। खेत में पहुंच के जो दो ढगले करे थे ना उसके ऊपर चद्दर बिछा दी ताकि किसी को पता ना चले गेहूं का ढगला कौन सा है और वो छिलकों का ढगला कौन सा है, खबर ही ना पड़े। वो जल्दी उठ के वहां पहुंच गए। थोड़ी देर में कौवा आया उड़ते उड़ते और बोला अरे कोयल बेन, लाओ चलो अपने बाग पाड़ लेते हैं, गेहूं का बाग पाड़ लेते, अपने दोनों ने मिलके जो खेत में गेहूं उगाए थे उसके बाग पाड़ लेते हैं। तो कोयल ने बोला कौवे को, कागड़ा भाई ये देखो दो ढगले है, बे ढगला से अब उसमें से जो ढगला तुम चाहो तुम ले लो, तुम जो ढगला लोगे उसके बाजू वाला ढगला मेरा। अब जब गेहूं से अपने छिलके निकालते हैं ना तो छिलकों का ढगला बहुत बड़ा था और गेहूं का ढगला छोटा था, देखो तो कौन है बेटा, राहिल, अरे राहिल को बोल रहा हूं भाई, बोलो
अब तो सब खत्म हो गया, छेले रविवार था लीलो, छेले रविवार था। तुम अब तक सो रहे थे क्या? चार रविवार हम बैठे थे चुरड़ी कार का काम करने के लिए। हाँ हाँ, दो अलग अलग ढकले कर दिए। अब गेहूं के जो छिलके थे, छिलके उसके फोतरे, तो उसका ढकला बड़ा था और गेहूं का ढकला छोटा, क्योंकि वैसे भी छिलकों का ढकला बहुत बड़ा होता है। हाँ, तो कौवे ने देखा, हाँ दो ढकले तो कर दिए भाई। कौवे ने सोचा क्यों ना मैं बड़ा वाला ढकला ले लूं। कौवे ने क्या सोचा? ये बड़ा वाला, उसने मन में सोचा ये मोटो ढकलो हूं ले लो, यानी देखो कौन है, बड़ा वाला ढकला मैं ले लेता हूं बराबर। अरे खोलो यार फटाफट, बोलो। अरे बेटा जो भी हो फटाफट करो बेटा, मेरे पढ़ने में तुम बीच में आते हो मेरे। अच्छा, कौवे ने ये सोचा क्यों ना मैं बड़ा वाला ढकला ले लूं। उसने ये सोचा कि बड़ा ढकला मैं ले लेता हूं, मुझे बहुत सारे गेहूं मिलेंगे, एक छोटा ढकला मैं कोयल को दे देता हूं। कौवे ने तो तुरंत बोला, हाँ 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 मैं पसंद कर देता हूं, चलो मैं ये दो ढकले में से मैं पसंद कर देता हूं। तो उसने कोयल के सामने देखा, फिर बोले ये बड़ा वाला ढकला मेरा। तो कोयल बोली ठीक है वो ढकला तुम ले लो, ये छोटा ढकला मैं ले लेती हूं। तो उसने तो छोटा ढकला उठाया और उठा के उड़ के अपने घर पेड़ पे चली गई। कौवा अब सोच रहा था ये बड़ा वाला ढकला मेरा, चलो अब मैं ढकले के ऊपर में बैठता हूं और देखता हूं कितने सारे गेहूं है। तो वह जैसे ही वो उड़ के ढकले के ऊपर बैठा, तो वहां तो सब छिलके थे उसके गेहूं के, तो सीधा अंदर घुस गया छिलकों के अंदर। उसके पूरे पंख में, पूरे शरीर में छिलके छिलके चिपक गए, उसको बहुत खुजली भी आने लगी। वो तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, ये छिलकों से बाहर निकालो, बाहर निकालो। हाँ बाहर निकालो। वो मान मान बाहर निकला, अपने पंख और शरीर से वो सब छिलके हटाए और फिर उड़ के पहुंचा कोयल के पास। कोयल को जाकर पूछता है, कोयल अरे कोयल बहन तुमने ये क्या किया, तुमने गेहूं ले लिया मुझे छिलका दिया। तो कोयल ने क्या बोला पता है? जे काम करे एने मळे, मैं कहा उसको मिलता है, जे काम करे एने मळे, जे ना करे एने ना मळे। समझ रहे हो? ये कहानी थी। तो देखिए जमीन से किस तरह गेहूं और सब उगते हैं, तो सबसे पहले खेत में जाकर खद्दा खोद के फिर बीज डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, नकामा घास निकालना पड़ता है, फिर सब जब उग जाए तब उसे अलग अलग करना पड़ता है। बहुत काम होता है बेटा खेत में, समझे? तो ये कहानी थी, ठीक है? तो ये कहानी मैंने आपको बोली, अब अपने थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते, ठीक है? चलो उसके बाद ये क्या लिखा है ये पढ़ो। ग, ग के बाद म के ऊपर एक मात्रा है, ग में, म के ऊपर एक मात्रा है ना, उसको में बोलते हैं, में, ग में, ग में यानी अपने कुछ अच्छा लगता है वो। मने सु गमे, तो के मुझे खेलना अच्छा लगता है ना, तो गुजराती में उसे बोलते हैं गमे, गमे, ठीक है? चलो गमे के बाद क्या है ये पढ़ो। ज, अगर ज को मैं बाजू में एक काना कर दूं तो जा हो जाएगा, क्या होगा? जा। जा के बाद ये क्या लिखा है? ग, ग के ऊपर एक मात्रा करूं तो गे, तो पूरा शब्द कौन सा होगा? जागे, क्या होगा? जागे, जागे माने अपने कोई सो गया हो तो उसे उठाते नहीं, जाग जाओ। हाँ, तो उसको क्या है, देखिए कौन नया शब्द पड़ेगा, ये पढ़ो। देखिए यहाँ ये सभी शब्द, देखिए गा यहाँ लिखा, ज यहाँ है, रो यहाँ है, ये तीनों को जब मिला दिए तब बन गया गाजर। खाए हो कभी गाजर?
કે નહીં ખાય આજ કિસને ખાય ગાજર અચ્છા ગાજર ચલો ગાજર કે બાદ ક્યા હૈ યે પઢો ક્યા હૈ વાહ હૈ મગર મગર કા ચિત્ર હૈ વાહ मगर हाँ बैठ जाओ चलो उसके बाद क्या है देखो दवा ठीक है देखिए अभी पड़ी है रिसेस तो अब रिसेस पड़ी है तो रिसेस में क्या करेंगे वो मैं पहले आपको ना है कोई समझ रहा है देखो सबसे पहले एक चित्र दिया गया है यहाँ ऐसे किसका चित्र है बोलो कोई बताएगा ऐसे कुछ चित्र है देखो रॉकेट नहीं है अपने होली की पिचकारी होती है देखो ऐसे पिचकारी का चित्र है देखो आजू बाजू में भी बताओ उसको भी बताओ देखो उनको खबर भी नहीं पड़ रही है उसके बाजू में देखो इस तरह एक 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 एरा इस तरह एक एरो करा है कहाँ करा है देखो है तुम्हारी चौपड़ी में है फिर देखिए इसमें इस तरह लिखा है इस तरह लिखा है देखिए इस तरह पी फिर लिखा है चो पी चो ऐसे लिखा है फिर यहाँ एक खाली जगह दी है देखिए है और फिर लिखा है री अब यहाँ कुछ करना है नहीं ये चित्र किसका है ये देखना है और यहां जो जगह बाकी है उसमें लिखना है ताकि ये पूरा नाम हो जाए इसका अब ये चित्र किसका है बताइए होली का है पिचकारी क्या है तो देखिए इसमें पी लिखा हुआ है च लिखा हुआ है तो यहां क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे का बहुत अच्छे सेम यहां अगर हम का लिख दें तो देखिए पिचकारी ऐसे पूरा लिखा हुआ हो गया कि नहीं हुआ देखिए इस तरह सब खाने भी दिए हैं देखिए इस तरह खाने भी दिए हैं देखिए इस तरह है कि नहीं तो यहां खाली जगह में सिर्फ का लिखना है और कुछ नहीं करना है तुम यहां का लिख दोगे तो पिचकारी ऐसे हो गया है लिख दो का लिख दो चलो आजू बाजू में बताओ अगर किसको खबर ना पड़े तो खाली जगह में का लिखना है का लिख दो उसमें चलो पेंसिल से का लिख दो का लिखोगे देखो इसको पता भी नहीं बेटा आजू बाजू वाले को बताओ बेटा आजू बाजू वाले को आधे लोग समझ भी नहीं रहे बिल्कुल भी तो बाजू में देखो खाली जगह दी है खाली जगह बताइए खाली जगह में हम क्या लिखेंगे री तो री कैसे लिखेंगे पता है किसको है हाँ र करके ऐसे कर दो तो केरी ऐसे हो जाएगा तो सिर्फ री लिखना है री लिख दो तो ये केरी हो गया केरी का चित्र है केरी लिखना है चलो लिखते जाओ री देखो इसने कहाँ लिखा है कहाँ लिखना है यहाँ कातर का चित्र है खेची मत बोलो खेची तुम घर पे बोलते हो हिंदी में बोलते हो तो अभी सिर्फ कातर ठीक है का लिखा है त लिखा है तो यहाँ क्या लिखेंगे तो कातर हो जाएगा क्या लिखना है र लिखना है री नहीं कातरी नहीं है ये कातरी नहीं है कातर है तो का त सिर्फ र लिखना है यहाँ खाली जगह में तुम र लिखोगे तो कातर ऐसे हो जाएगा नहीं है बेटा बाजू के क्लास में बेटे बाजू के क्लास में बंद कर दे बेटा देखिए सिर्फ र लिखना है चलो र लिख दो र लिखो वहां बताओ नहीं बेटा तुम रखो आज मुसब्बिया तुम देखो उसमें है इससे भी गलत लिखो तुम कातर का चित्र है बेटा आपने सिर्फ का त तो लिखा हुआ है र ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है सिर्फ र अरे बेटा तुम सब गलती करते ऐसे कैसे चलेगा बेटा इतने अच्छे से समझा रहा हूं फिर भी
देखिए यहाँ देखो ये फूल है ना, यहाँ लिखा है मो, बीच में खाली जगह है, फिर रो है, बराबर। ये फूल किसका है पता है? ये वाला फूल है, देखो ये वाला फूल है, देखो उसमें मो लिखा हुआ है, देखो फिर बीच की जगह खाली है, तो बीच में हम क्या लिखेंगे बताओ? ग, रो लिखा हुआ है, मो लिखा हुआ है, तो यहां देखिए मो भी लिखा है, रो भी लिखा है, बीच में सिर्फ हम ग लिखना है, ग हम ग लिखेंगे तो हो जाएगा फूल का नाम मोगरो, ये फूल का नाम है। जब एक मिनट अभी मैं जान देता हूं, बैठो साथ में जाओगे, किसी के साथ में जाओगे ना? एक मिनट रुको, बेला पढ़ाई चल रही है, एक मिनट रुको बेटा, दो मिनट मैं नीचे नीचे बैठो ना, खड़ी क्यों हो जाती हो? सिर्फ बीच में ग लिखना है, ठीक है? ग लिख दो, मोगरो यानी मोगरे का फूल है, अपने यहां ही है मोगरे का फूल, देखो ये रहा है बेटा, यहां मोगरे का फूल है, बराबर। तो बीच में सिर्फ ग लिखना है, मो लिखा है, रो लिखा है, ग लिखोगे। देखिए ऐसा कु है ना, कु ऐसा कु यहां लिखा हुआ ही है, सबसे पहले कु, बीच में खाली जगह है, यानी यहां बीच में क्या लिखना है? तो यहां तुम ऐसे जैसे त लिखोगे तो रो हो गया, यानी कुत्रो, कुत्ते का चित्र है, बीच में सिर्फ त लिखना है, तो तुम त ऐसे बीच में लिखोगे ना, ऐसे खाली जगह में, देखिए ऐसे होगा, बीच में खाली जगह वहां सिर्फ त लिखना है, तो कुत्रो, गुजराती में कुत्ते को कुत्रो बोलते, कुत्रो, ठीक है? तो यहां कुत्रो ऐसे लिखना है, यानी बीच में सिर्फ त लिखना है, त लिख लो, ओके। वो चाल अच्छा ना माना, कान चलते तो ठीक है, और क्या आता है आगे? उसके बाद अब आगे आगे साजी देख रहे हो, बेचारे